जनपद में शनिवार से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हुआ। इस दौरान जिले के सभी मंदिरों पर सुबह से ही मां के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। लोग बारी बारी से लाइन में लगकर मां के दर्शन कर रहे थे। लोगों ने मंदिर में विधि विधान से नारियल फोड़कर व धूप अगरबत्ती जलाकर विधिवत पूजा अर्चना की, जिसके संबंध में दाऊदपुर काली मंदिर के पुजारी विजय शंकर पांडे ने बताया कि शनिवार को चैत्र नवमी प्रारंभ हुई है और लोग सुबह से ही मंदिर में आकर माँ की पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि नवरात्रि में मां की पूजा अर्चना करने पर लोगों की मनोकामना पूरी होती है, जिससे लोग अपने श्रद्धा भाव से मंदिर में आकर पूजा कर रहे हैं और कुछ लोग घरों पर कलश स्थापना करते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दाऊदपुर काली मंदिर के पुजारी विजय शंकर पांडे व मंदिर में पूजा करने आए श्रद्धालुओं ने कहा, उसके बाद कल जो है रवि श्रृंगार होगा, लाल होगा माता का। त्रिलोक टी एन जायसवाल मानता है, यहाँ काली जी के बहुत मानता है, जो बहुत लोग यहाँ पे आते हैं हर साल, जो है हम लोग आते हैं यहाँ पे, जो मनोकामना होता है उसको पूर्ण होता है। और यहाँ पे हर लोग हाँ अलग अलग दिन जी जी नवरात्र नौ देवियों का वो है, तो वही है। संजीव तिवारी एडवोकेट जी, नए वर्ष में हम लोग हिंदू लोग भूल गए थे अपनी संस्कृति, अब धीरे धीरे हम लोग फिर जागृत हो रहे हैं
और देख रहे हैं चारों तरफ भीड़ अब दिखाई दे रही है। हम सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और भगवान से इच्छा करते हैं कि विश्व में शांति हो। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवे। इसी मंगल कामना के साथ हम सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। पीयूष तिवारी। हाँ, जो से हमारे यहाँ मंदिर में, इस काली मंदिर में एक महात्म्य है कि 9 दिन का 9 कलर का श्रृंगार होता है, 9 रंगों का। और इसी उसमें जो है पहले दिन आज शनिवार के दिन काला श्रृंगार जो है माँ का इस रूप में किया गया है। इसी तरह रविवार को जो है लाल श्रृंगार, सोमवार को हरा श्रृंगार, मंगलवार को केसरिया श्रृंगार, बुधवार को इसी तरह से सारे कलर्स के श्रृंगार किए जाएंगे और माँ के 9 रूप का दर्शन जो है अलग अलग रूपों में कराया जाएगा। बताते हैं मंदिर ये बहुत प्राचीन है। मंदिर का महात्म्य ये है कि 250-250 साल पुराना है इतिहास। मोटा मोटी ये लोग बताते हैं कि 250-250 साल पुराना है। माँ का एक पिंड है यहाँ पे, वही पिंड के रूप में माँ उपस्थित हुई थी यहाँ, अपने आप वो हुई थी। फिर धीरे धीरे उसको एक मूर्त रूप देते हुए लोगों ने, भक्तों ने जो है इस तरह के किया। और ये बहुत पुरानी मूर्ति है, 50 वर्षों से तो मैं ही दर्शन कर रहा हूँ। बाकी उसके पहले जो है लोग बताते हैं कि इसी तरह से काफ़ी सालों से लोग जो है दर्शन करते हुए आते हैं। और महात्म्य जो आपकी जो आंतरिक इच्छा होती है उसको हमें नहीं लगता है कि कभी माँ ने ऐसा किया है। मेरी सारी इच्छाएँ इसी से पूर्ण हुई हैं। विजय शंकर पांडे। यह मंदिर जो है बहुत प्राचीन मंदिर, लिहाज से तो है नहीं। और भगवान का जो भी अच्छा कर्म करेगा उसको अच्छा फल मिलेगा, ठीक ना। और नवरात्र व्रत का महत्व अनंत है, आज से बना नहीं है, बहुत प्राचीन समय से बना हुआ है। सब लोग जानते हैं क्या फल है, क्या उसका पूजा है, क्या विधि है। व्रत रहते हैं लोग पहले दिन जो आदि और अंत में व्रत रहते हैं, पूजा करते हैं। कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, कोई कलश स्थापना कराता है, जिसकी जो मनोती होता अपना अपना मन्नत मांगता है कि नहीं। भगवती जगदम्बा सबकी मनोकामना पूर्ण करती है अनेक रूप में। सर्व रूपमयी जगत, सर्वदेयीमयी जगत, अतो हम विश्वरूपाम तो हम नमामि परमेश्वरी। जिस भावना से माँ का जो आराधना करता है उसको माँ उसी भावना से प्राप्त होती है।